शादी के 10 साल बाद मां बनने जा रही एक्ट्रेस नेहा मर्दा को लेकर एक परेशान कर देने वाली खबर आई है। नेहा की डिलीवरी डेट करीब है, लेकिन इससे पहले उनकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, जिस वजह से उन्हें आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेहा इस वक्त डॉक्टर्स की निगरानी में है। नेहा का पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंच गया है। बालिका बधू से मशहूर हुई नेहा अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। उन्होंने साल 2012 में बिजनेसमैन आयुष्मान अग्रवाल से शादी रचाई थी। शादी के 10 साल बाद नेहा ने कुछ दिन पहले ही अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी, जिसके बाद उनके फैंस बहुत खुश हो गए थे। इतना ही नहीं, नेहा की ससुराल पटना में उनकी गोद भराई हुई, जिसमें उनके फंक्शन में कई एक्टर्स भी शामिल होने पहुंचे थे। पारंपरिक रिवाजों से नेहा की गोद भराई की रस्म हुई थी। उनकी डिलीवरी डेट में कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन अब नेहा की प्रेगनेंसी में ऐसी दिक्कतें आ गई हैं कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। उन्हें अभी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। इसके अलावा डॉक्टर 2 या उससे ज्यादा दिन तक उनकी देखभाल करेंगे। हालांकि अभी तक इसे लेकर नेहा या उनकी फैमिली की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ऐसी खबरें आते ही नेहा के फैंस उनके लिए दुआएं मांगने लगे हैं। नेहा ने साल 2005 में अपना डेब्यू किया था। उन्होंने ऑलवेज और घर एक सपना में पहली बार अपना टीवी अपीयरेंस दिया था। इसके बाद नेहा देवों के देव महादेव, डोलियर मानो की, लाल इश्क पिया, अलबेला और बालिका बधू जैसे टीवी शोज का हिस्सा रहीं। हालांकि शादी के बाद नेहा ने टीवी शोज से दूरी बना ली है।